वेरी गुड सो लेट्स मूव टू वर्ड्स एंड अदर वन इस एक्टिविटी को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले स्पेरिकल मिर टाइप को मैंशन करना है उसके बाद आप उनकी तीन करेक्टिस्टिक्स को यहां पर लिखेंगे तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सोल्व करें वेरी गुड सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट एक्टिविटी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन uh, दी गई हैं यू हैव द यू हैव टू नेम द टाइप ऑफ मिररर दैट आर यूज टू ऑबटेन दीज टाइप ऑफ इमेज यहाँ पर खाली स्पेस दी गई हैं तो आप जल्दी से हर डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए और उससे रेलिवेंट मिररर का नाम लिखिए वेरी गुड सो अब हम अपने चैप्टर को सॉरी uh, रिवाइज करते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी के बाद यहां पर आपको पेरिस्कोप दिया गया है इसके अंदर आप इस डायग्राम को लेबल करेंगे ड्रॉ करेंगे कि किस तरह मिरर्स यहाँ पर प्लेस होते हैं और किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचती है तो जल्दी से अपनी वीडियो को पोस्ट करें और इस डायग्राम को लेबल कीजिए वेरी गुड लेसन so, हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया लाइट को एंड वी डिफाइन लाइट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट स्पेसिफिक बिहेवियर और वो स्पेसिफिक बिहेवियर है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स द मिरर और द बेंडिंग ऑफ लाइट इट चेंजेस इट्स मीडियम एंड अंडरगोइंग डिस्पर्शन उसके अलावा हमने डिस्कस किया हमारे पास Um, as a mirror code that are basically the tools which are used to describe the behavior of.

ट्रांसमिशन दैट डिस्क्राइब्स दैसेज ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम यहाँ पे हमारे पास थ्री मीडियम है जिनको हमने डिस्कस किया दैट आर ट्रांसपेरेंट ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ज नॉट अलाउ दाइट टू पास थ्रो दैम जबकि ट्रांसल मटीरियल्स हमारे पास ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट पार्शली पास होती है और कुछ लाइट पास नहीं हो पाती उसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन को दैट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेन आर यू ऑफ लाइट हिट द मिरर और और शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक वो लाइट की जो कि हिट करेगी उसको हम नाम देंगे इंसिडेंट का और जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी बाउंस बैक होगी उसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड का एंड द परपेंडिकुलर दैट इज ड्रॉन टू द पॉइंट वेयर द लाइट हिट्स दैट इज बेसिकली एन इमेजनरी लाइन इज नॉन एज नॉर्मल उसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन को विच इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट चेंजेस इट मीडियम जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर होगी ये अपने पाथ को थोड़ा सा बेंड कर लेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इसी तरह जैसे ही हमारे पास like ये अगेन अपने मीडियम को चेंज करेगी लाइक ये वोटर से दोबारा हमारे पास एयर के अंदर एंटर होगी ये दोबारा से अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेगी इसी तरह हमने एक और बिहेवियर को डिस्कस किया दैट इज़ द डिस शन और हमने देखा कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते थे तो लाइट अंडरगोज डिस्पर्शन इनटू एंड गिव अ सेवन कलर स्पेक्ट्रम जिसको हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कहते थे उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो हम वो कलर देख पाते हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड टू आवर आइज वो तमाम कलर जो एब्सोर्ब हो जाते हैं बाई दैट ऑब्जेक्ट हम उनको नहीं देख पाते इसी तरह हमने डिस्कस किया था ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कि मिरर का इस्तेमाल करते हैं लाइक माइक्रोस्कोप विच इज यूज टू अंडरस्टैंड इज टू ऑब्जर्व द फाइन डिटेल्स ऑफ एनी सब्सटेंस सब्सम एज द टेलीस्कोप विच इज टू ऑब्जर्व डिटेंट ऑब्जेक्ट एंड बाइनर जिसमें हमारे पास टेलीस्कोप की ही हाँ पावर मैग्फिकेशन इन्वॉल्व होती है जिससे हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं उन उन, उन डायरेक्ट साइट वियन में नहीं होती और यह स्पेसिफिकली मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं सबमेर में जहां पर चीजों को देखना कदरे मुश्किल होती